हेलो नमस्ते सत्याकाल सलाम वालेकुम वड़कम वेलकम बैक टू माय चैनल पीवी ट्रिप व्लॉग। और मेरा नाम है पंकज, मैं करता हूँ आपका स्वागत मेरे इस चैनल पे। आज मैं पहुंच गया हूँ भारत के एक बहुत ही खूबसूरत शहर कन्याकुमारी में। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ आप आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं कन्याकुमारी, क्या कुछ खाने पीने और रहने की व्यवस्था है यहाँ कन्याकुमारी में, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की लोकल टूरिस्ट प्लेसेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और लास्ट तक बने रहिए। इस एपिसोड में मैं आपको घुमाने वाला हूँ पूरा कन्याकुमारी शहर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। अब हम निकल चुके हैं रामेश्वरम से और जा रहे हैं कन्याकुमारी की तरफ। रामेश्वरम से कन्याकुमारी की दूरी करीब 309 किलोमीटर की है और उम्मीद है हम 5-6 घंटे में इस दूरी को पूरा कर लेंगे। और अभी मैं रास्ते के बीच में हूँ, रोड की कंडीशन बहुत ही शानदार है। बीच में छोटी रोड थी लेकिन अभी ये मेगा हाईवे चल रहा है, 6 लेन का बहुत ही अच्छी रोड है और स्पीड भी हमने बना रखी है। उम्मीद है 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। हम निकले थे करीब वहाँ से 12 बजे और पहुँचते हैं कन्याकुमारी में, वहाँ करेंगे चेक इन, फिर कल घूमेंगे हम कन्याकुमारी के लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह। कन्याकुमारी पहुँचने के 3-4 ऑप्शंस हैं। आप कन्याकुमारी ट्रेन से आ सकते हैं। कन्याकुमारी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी में ही है जो कि वेल कनेक्टेड है इंडिया की सभी मेजर सिटीज से, और इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेकानंद एक्सप्रेस भी यहीं से चलती है। अगर आप कन्याकुमारी बाय एयर आना चाहते हैं तो कन्याकुमारी का नियरेस्ट एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम में है जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आप त्रिवेंद्रम तक किसी भी मेजर सिटी से फ्लाइट लेकर पहुँच सकते हैं और फिर त्रिवेंद्रम से बाय टैक्सी या बस कन्याकुमारी पहुँच सकते हैं। आप कन्याकुमारी बाय बस भी आ सकते हैं जो कि वेल कनेक्टेड है साउथ इंडिया की सभी मेजर सिटीज से। इसके अलावा आप कन्याकुमारी जैसे मैं जा रहा हूँ बाइक से, वैसे आप भी अपनी बाइक या किसी भी प्राइवेट व्हीकल से पहुँच सकते हैं। तो ये खूबसूरत हाईवे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता हुआ, और इसके बीचों बीच खड़ा हूँ मैं और ले रहा हूँ आनंद सनसेट का। सूरज देवता छुप रहे हैं इन पहाड़ों के पीछे और रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है कन्याकुमारी तक, हमारे भारत की आखिरी छोर तक जाता हुआ ये रास्ता। रामेश्वरम से कन्याकुमारी जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बीच बीच में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। कल रात को हम पहुंच गए थे यहाँ कन्याकुमारी और हमने होटल ले लिया था यहाँ AR रेजिडेंसी में। काफ़ी अच्छा और सुंदर होटल हमको मिल गया, रूम भी काफ़ी क्लीन थे AR रेजिडेंसी होटल में। तो आज हम करेंगे लोकल कन्याकुमारी का टूर, जो भी यहाँ के लोकल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो सब आप कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। अभी हम निकल पड़े हैं यहाँ के लोकल फेरी स्टेशन जाने के लिए। अभी हम पहुंच गए कन्याकुमारी के फर्स्ट स्पॉट पे जो कि है विवेकानंद रॉक और तिरुवल्लुवर स्टैच्यू। यहाँ से हम जाएंगे अंदर और लेंगे टिकट, फिर फेरी के थ्रू जाएंगे उस रॉक की तरफ और घूमते हैं वहाँ के लोकल पॉइंट्स।
फेरी टिकट के दो ऑप्शन है, एक 50 रुपये और एक 200 रुपये। 50 रुपये नॉर्मल लाइन के लिए, और अगर आप एक्सप्रेस लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं जो दो पॉइंट है, विवेकानंद रॉक और फिर ओवर स्टैचू। अभी हम जाएंगे इधर बोट से, फेरी से हम इधर जाएंगे और फिर घूमेंगे यहाँ के आसपास के एरियाज। तो इस फेरी से अभी हम जाएंगे विवेकानंद रॉक की तरफ। वो है कन्याकुमारी सिटी और वहां से यहाँ अब हम पहुंच गए हैं इस फेरी से। हवा का फ्लो बहुत ज्यादा तेज है आज, और आज की ये फेरी राइड किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। वो वेव्स देखो आप पानी में, कितनी जोरों से आज हवा चल रही है। ये है पूरी कन्याकुमारी सिटी। मैं पहुंच चुका हूं विवेकानंद मेमोरियल में, जो कि है विवेकानंद रॉक पे। और आप देख रहे हैं मैं पहुंच चुका हूं इंडिया के जो लास्ट पॉइंट है, जो है कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी से भी थोड़ा सा आगे है विवेकानंद रॉक, जो कि है बिल्कुल लास्ट पॉइंट इंडिया का। आप देख सकते हैं मेरे तीनों तरफ, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। और आप इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो कन्याकुमारी है बिल्कुल लास्ट में है, और उससे भी आगे है रॉक। मैं कैसे कह सकता हूँ, इंडिया है अब पूरा मेरे पीछे और मैं खड़ा हूँ बिल्कुल इंडिया के टिप पॉइंट पे। विवेकानंद रॉक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ मंदिर थे और विवेकानंद मेमोरियल, और इस रॉक में ही सब कुछ बना हुआ है। उसके बिल्कुल पास में है ये थिरुवल्लुवर का स्टैचू इतना बड़ा, और चारों तरफ इसके समुद्री समुद्र पानी ही पानी है। और पीछे हमारे आप देख सकते हैं पूरा कन्याकुमारी, और जो भारत का पूरा हिस्सा है वो इस तरफ पीछे की तरफ रहेंगे। ये आप जो देख रहे हैं पूरा कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी का चर्च, और ये गांधी मंडपम, और सनराइज और सनसेट व्यू यहाँ से साफ दिखता है पूरा कन्याकुमारी। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं पार्वती माता का टेम्पल है, यहाँ पर पार्वती माता के पैरों के निशान है, एक रॉक पर बने हुए हैं। कहा जाता है पार्वती माता ने भी यहाँ तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए, तो उनका भी छोटा मंदिर यहाँ विवेकानंद रॉक पर आपको मिल जाएगा। ये है स्टैचू थिरुवल्लुवर का, जो कि यहाँ के तमिलियन पोइट थे, और जिन्होंने काफ़ी सारी किताबें हैं और यहाँ की पोएम्स तमिल में लिखी हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं
अभी हमने दर्शन भी कर लिए हैं विवेकानंद रॉक पे, विवेकानंद मंदिर में। एक्चुअली विवेकानंद जी इस रॉक पे आए थे 1864 में, और यहाँ के मेडिटेशन किया था दिसंबर 24-25-26, और यहाँ मेडिटेशन करने के बाद ही उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आया और एक प्रेरणा जागी कि वो जाके बाहर शिकागो में भी भाषण दे सकते हैं। और उसके बाद ही उन्होंने अपने पूरी दुनिया बदल दी और पूरे विश्व में अपने हिंदुत्व का परिचय दिया। पहुंच गए हैं कन्याकुमारी के एक और जो स्पॉट जो कि है त्रिवेणी संगम पॉइंट। यहाँ से आप थोड़ा देखेंगे तो आपको दो ओशन मिलते हुए दिखेंगे, थोड़ा एक का पानी थोड़ा ग्रीन और एक का पानी थोड़ा ब्लूइश है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है त्रिवेणी संगम पॉइंट। अगर आपको अभी कैमरे में नहीं दिख रहा हो तो मुझे यहाँ से दिख रहा है दो अलग अलग कलर के पानी दिख रहे हैं, एक थोड़ा ग्रीन है और थोड़ा दूर ब्लूइश पानी दिख रहा है। मैं यहाँ से थोड़ा सा देख सकता हूँ क्लियरली, अगर आपको कैमरा के थ्रू दिख रहा है तो ठीक है, वरना अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहीं आना पड़ेगा कन्याकुमारी में से देखने के लिए। त्रिवेणी संगम के सामने ही आपको यहाँ पर सुनामी पार्क दिख जाएगा, जो सुनामी है मेमोरियल पार्क है। सुनामी जो यहाँ पर आई थी, तबाही मचाई थी, उसकी मेमोरी में एक यहाँ पर पार्क बना गया, उसको डेडिकेट करते हुए। फिलहाल तो ये पार्क बंद है, मैं आपको बाहर से ये पार्क दिखा देता हूँ। कन्याकुमारी के हम एक और स्पॉट पर पहुंच गए हैं जो कि है गांधी मंडपम। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये गांधी मंडपम है, मतलब गांधी जी का छोटा सा आश्रम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो गांधी मंडपम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों को ला के रखा था इस समुद्र में डालने से पहले, और ये मॉडर्न आर्ट का एक इतना अच्छा नमूना बनाया गया है कि 2 अक्टूबर के दिन जब सूर्य उदय होता है, जो सूर्य की किरणें होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर आके गिरती है जहाँ पर गांधी जी की अस्थियों को रखा गया था। तो अब हम पहुँच चुके हैं एक और व्यू पॉइंट पे जो कि है सनराइज और सनसेट व्यू पॉइंट इस कन्याकुमारी का, और यहाँ से अपन को दो ओशन व्यू मिलते हुए साफ दिख जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर शायद हमको यहाँ से दो ओशन का कलर दिख जाए। तो ये मेरा पीछे देख रहे हैं बिल्कुल ब्रेड टेकिंग व्यू, बिल्कुल दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ समुंदर ही समुंदर, सिर्फ ओशन व्यू आपको दिखेगा। तो ये है सनसेट और सनराइज पॉइंट कन्याकुमारी का, बहुत ही ऑसम व्यूज़ यहाँ से दिखते हैं। सनसेट के टाइम और सनराइज़ के टाइम तो हम अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन व्यूज़ देखने आ गए हैं। पीछे ओशन का व्यू आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3 सी मिलते हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं तो बे ऑफ बंगाल, मेरे पीछे इंडियन ओशन, यहाँ कन्याकुमारी में मिलते हैं तो उसका पानी भी आपको हल्का हल्का झलक दिखेगी ग्रीन, और थोड़ा ब्लूइश पानी आपको दिखेगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको इस कैमरे से दिखाने की, अगर आपको इस कैमरे से नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पर आकर ही देखना पड़ेगा, लेकिन व्यूज़ बहुत ही औसम है और हवा भी बहुत ठंडी और शानदार चल रही है। और बिल्कुल यहाँ से दिख भी रहा है दो पानी, जैसे आप देख सकते हैं एक थोड़ा सा ग्रीन है और काफ़ी दूर थोड़ा ब्लू पानी आपको यहाँ से दिख रहा होगा।
पहुंच गए हैं कन्याकुमारी के एक और स्पॉट पे जो कि है सुचेंद्रम टेम्पल। ये कन्याकुमारी से करीब 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, एक अलग ही छोटे से गांव में। बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, अंदर कैमरा और वीडियो अलाउ नहीं थे इसलिए मैं अंदर की आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। इस मंदिर के अंदर काफ़ी सारी कहानियाँ और काफ़ी सारे रहस्य भी हैं, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको पता पड़ेगा। ज़रूर विजिट करें जब आप कन्याकुमारी आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। ये पूरा मंदिर बहुत सारे रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है, आप यहाँ आए तो इस मंदिर में विजिट जरूर करें। अभी हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी के एक और टूरिस्ट स्पॉट पे जो कि है भारत माता टेंपल। भारत माता टेंपल कन्याकुमारी में ही है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है बाहर से। तो मैं अभी जाता हूँ, दर्शन करता हूँ। एंट्री फीस यहाँ की 30 रुपीज है। तो अभी हमने देख लिया है भारत माता टेम्पल। यहाँ इसके भारत माता टेम्पल के अंदर बहुत ही खूबसूरत रामचरितमानस का पूरा चित्र के द्वारा पूरी स्टोरी बताई गई है। एक एक फ़ोटो है और फोटो के नीचे पूरी रामायण कथा का वृतांत बताया गया है और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भारत माता का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है। शाम के समय लाइट में ये मंदिर और भी खूबसूरत दिखता है। अब हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी के एक और टूरिस्ट स्पॉट पे जो कि है ये अवर लेडी रैनसम चर्च। बहुत ही खूबसूरत चर्च कन्याकुमारी का मेरे पीछे आप देख रहे हैं, समुद्र के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ बना हुआ बहुत ही खूबसूरत ये चर्च रात में लाइटिंग में और भी खूबसूरत दिखता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल पीवी ट्रिप व्लॉग्स को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में और इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।